अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो कंटेंट मैंने अपलोड करना है इन फ्यूचर और जो अभी तक अपलोड किया है उसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है इस चैप्टर के नेम से। उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं वो भी और जो इन फ्यूचर इस चैप्टर से रिलेटेड सोल्यूशन या क्वेश्चन आप कह लें अपलोड करूंगा मैं, वो सब के सब आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। वो आपको फर्दर उस प्लेलिस्ट तक ले जाएगा जहां पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आज हमने ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में यहां पे लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल टू 4x+5। यहां पे एक हमें इक्वेशन दी गई है किसी फंक्शन की जो कि बेसिकली लिखा हुआ है यहां पे y इज इक्वल टू 4x+5। ये जो इक्वेशन है इसको फंक्शन कहा जा रहा है और फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं बहुत सिंपल और टू द पॉइंट डेफिनेशन बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा कि फंक्शन इस इक्वेशन को क्यों हम कह रहे हैं। तो किसी इक्वेशन को अगर फंक्शन कहा जाए इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस फंक्शन में यानी इस इक्वेशन में अभी आप फिलहाल कह लें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, कोई भी सिंगल वैल्यू पुट करने से आपको हमेशा वाई का सिंगल आंसर मिलेगा। यानी आप इसको अगर जनरलाइज करके बात मैं आपको कहूं तो एक इनपुट करने से अगर एक ही आउटपुट मिले तो ऐसी इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे, ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन कहते ही हम बेसिकली इस चीज़ को है कि जिसके अंदर जब आप एक इनपुट करें तो आपको एज अ रिजल्ट एक ही आउटपुट मिले, एक से ज़्यादा आउटपुट ना मिले। अगर ऐसा हो जाए कि आपने एक वैल्यू इनपुट करी लेकिन आपको आंसर दो मिले, मतलब उस इक्वेशन से दो आंसर निकल कर आए जाए, तो ऐसे केस में आप कहते हैं कि वो फंक्शन नहीं है। तो जिस तरह ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है इसमें आप यहाँ पे x देख सकते हैं, आप इस x की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे। अगर आप इस x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करें और आपको एज अ रिजल्ट एक ही आंसर मिले तो इसका मतलब है ये फंक्शन है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया ये फंक्शन है। तो अब जाहिर बात है इसको हम फंक्शन मान के ही सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि ये फंक्शन है कि नहीं है तो आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखते। अगर आपको हर वैल्यू पर एक ही यूनिक आउटपुट मिल रहा होता तो आप कहते कि जी ये फंक्शन है। अगर ना हो रहा होता ऐसे, एक से ज़्यादा आंसर्स मिल रहे होते एक ही वैल्यू के ऊपर, तो आप कहते हैं ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन जनरली ऐसे रूल को आप कहले कहते हैं या ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे जिसमें एक वैल्यू पुट करने से आंसर के तौर पे एक ही आउटपुट हमें मिले। तो यहां पे ये हमें फंक्शन दिया गया है और इसमें y भी है और x भी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब x की वैल्यू 3 हो, यानी जब आप x की जगह पे 3 पुट करेंगे, और दूसरी बार जब x की वैल्यू -2 हो, जब x की जगह पे -2 पुट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट x की वैल्यूज पुट करनी है, आपको y के आंसर्स निकाल कर बता देने, यही इसका सोल्यूशन होगा। तो आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सामने मैंने दोबारा क्वेश्चन लिख लिया है। हम सबसे पहले इसकी जो इक्वेशन है उसको नोट डाउन कर लेंगे जो कि इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन है। तो वो है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x+5, y इज इक्वल टू 4x+5। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पहला पार्ट है तो इसमें आपने x की जगह पे 3 पुट करना है। तो आप जस्ट जहां जहां पे x लिखा हुआ है इस वाली इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन में वहां पे आप x की जगह पे 3 पुट कर दें। तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 4, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा 3। तो आपको यहाँ ब्रैकेट्स लगानी है और ब्रैकेट्स क्लोज कर देनी, क्योंकि जब आप वैल्यू पुट करते हैं और बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इस तरीके से हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। और आगे आपने लिख देना +5। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे y को आपने वैसे ही नोट डाउन करना है अगले स्टेप में। 4 और 3 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 3 टाइम्स कितने होते हैं, वो होते हैं 12, आपको पता है। और ये वाला +5 आपने फिर से नोट डाउन कर देना है। अब आपने फिर से y को लिखना है और 12 में 5 ऐड करना है, तो 12 +5 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 17। तो आपके पास y का आंसर क्या आ गया, 17। तो इसका मतलब आपका पहला पार्ट तो हो गया कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो y का आंसर क्या आएगा, 17। तो आपने बता दिया कि जब x की वैल्यू 3 होगी इस फंक्शन में तो y का आंसर क्या मिलेगा, 17। अब सेम काम करना है, जस्ट अब वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। और वैल्यू अब दूसरे वाला पार्ट में आपको ऊपर से बता दूं क्या था, वो है अब x की जगह पे आपने -2 पुट करना है। तो इक्वेशन यही रहेगी, बस x की वैल्यू आपने चेंज कर देनी है। मैं इक्वेशन दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू 4x+5, ठीक है। और अब आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, ये भी मैंने आपको ऊपर दिखाया भी है, आपने x की जगह पे पुट करना है -2। तो अब मैं यहाँ पे -2 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू -2, मैं ये पुट करने जा रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 4, x की जगह पे आप -2 पुट कर दें और +5 तो वैसे का वैसे ही लिख दें। अब आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को -2 से करेंगे, 4 -2 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा -8,
क्योंकि 4 2 times 8 होता है, और या 4 के पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस कंसिडर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस एट मैंने लगाया, माइनस लगाया। आगे आप प्लस 5 को वैसे ही लिख देंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब है माइनस करना है, तो 8 में से 5 आप माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 3, तो आप यहाँ पे लिखें 3 और साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ करते हैं, तो 8 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, तो ये आपके पास आ गई दूसरी वैल्यू। इसका मतलब है जब x की वैल्यू माइनस 2 होगी तो ये फंक्शन आपको y की वैल्यू क्या देगा, माइनस 3, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था इस क्वेश्चन में।